नमस्कार, मैं हूं आदित्य गौरव और आपने कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखना शुरू कर दिया है। आगामी 19-20 अक्टूबर को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 43वां महाधिवेशन शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ। सर, इस बार की तैयारी में क्या कुछ विशेष है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन 105 वर्ष का हो चुका है और 106वां स्थापना दिवस समारोह 19 अक्टूबर को है और उसी के साथ हमारा 43वां महाधिवेशन भी 2 दिनों का संपन्न होगा 19-20 अक्टूबर को। और पिछले अधिवेशनों की भांति इस वर्ष भी व्यापक तैयारियां हुई हैं। सम्मेलन का महाधिवेशन का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रवि रंजन जी और केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी करेंगे। समापन समारोह में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आलोक राज जी, बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह के साथ कई अनेक विद्वान और गणमान्य विभूतियाँ सम्मिलित होंगी और पूरे भारतवर्ष से, भारत के विभिन्न प्रांतों से कई मनीषी विद्वान और विदुषियों का अधिवेशन में पदार्पण हो रहा है, जिनके व्याख्यानों से हम सभी लाभान्वित होंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्था राष्ट्रभाषा परिषद, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के भी अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी, वृंदावन के एक सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर गोपाल चतुर्वेदी जी, अयोध्या से के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य विजय रंजन जी, कोलकाता के एक विद्वान कुंवर वीर सिंह जी मारतंड समेत कई बड़ी हस्तियां, बड़ी विभूतियां साहित्य की पधार रही हैं। डॉक्टर जसवीर चावला जी चंडीगढ़ से, तो कई बिना वाजपेयी हैं, वंदना वाजपेयी क्षमा करें दिल्ली से, तो इन सब का आना हो रहा है। प्रोफेसर महेंद्र मधुकर होंगे, तो विविध सत्रों में उनके व्याख्यान होंगे। यार, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इस अधिवेशन को हिंदी की दो महान विभूतियों को समर्पित किया गया है, महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को और कलम के जादूगर जिन्हें हम कहते आए हैं, बिहार के गौरव हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी, जिनका यह 125वां जयंती वर्ष है, इसलिए उनको हम लोगों ने यह अधिवेशन अर्पित किया है, समर्पित किया है। और इस अधिवेशन के चिंतन का मुख्य विषय यह है भारत की राष्ट्रभाषा और अन्य भारतीय भाषाओं पर इसका प्रभाव, इस विषय पर मुख्य रूप से चिंतन होगा। और साथ में इन दोनों महान विभूतियों के व्यक्तित्व, कृतित्व और अवदानों पर भी चर्चा होगी अलग अलग सत्रों में। एक सत्र का विषय है महाप्राण निराला की काव्य दृष्टि और बेनीपुरी जी को जो सत्र समर्पित है उसका विषय है राम वृक्ष बेनीपुरी की भाव भाषा। इन सत्रों के अतिरिक्त एक गंभीर चिंतन भारत की उस महान अवधारणा पर है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा करते हैं, इसलिए उस सत्र का नाम है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और भारत। इनके अतिरिक्त एक सत्र हम लोगों ने साहित्य के नए प्रश्नों पर रखा है।
नई पीढ़ी के मन में क्या प्रश्न है साहित्य को लेकर, और पुरानी पीढ़ी के पास क्या उत्तर है इसके, इन दोनों विचारों के समन्वय के साथ इस विशेष सत्र में चर्चा होगी साहित्य के नए प्रश्न पर। इन वैचारिक सत्रों के अतिरिक्त पहले दिन की संध्या को एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, जिसमें निराला की काव्य रचना राम की शक्ति पूजा पर एक नाटिका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एक लघु नाटक है, और फिर डॉक्टर शंकर प्रसाद जी का गायन है, और कुछ लोक नृत्य आदि के कार्यक्रम। समापन समारोह जो वास्तव में सम्मान का समारोह भी है, बिहार प्रांत के और देश के दूसरे प्रांतों से आने वाले मनीषी, चयनित किए गए मनीषी विद्वानों और विदुषियों को हम अलंकरणों से विभूषित करेंगे, और उसके पूर्व एक विराट कवि सम्मेलन भी होगा जिसमें देश भर के कवि कवयित्रियाँ ये सब भाग लेंगे। तो इस प्रकार यह अधिवेशन कई प्रकार से मूल्यवान होना है, इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। दर्शकों, ये थे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ। इन्होंने बताया है कि इस बार के कार्यक्रम में बड़े बड़े विद्वान और विदुषी आने वाले हैं, बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जो कि काफ़ी मूल्यवान है यहाँ के लोगों के लिए। मैं पटना से आदित्य गौरव, देखते रहें CIN।